बड़े बड़े मिनिस्टर 2-2 लाख रुपए तनख्वाह पा रही, ये मैडम जो पेंशन पेंशन विभाग की बैठी है ये कम से कम नहीं 2.5-3 लाख रुपए पेंशन पाती है, और सारे विकलांग का पैसा कहाँ जाता है? अभी तक अनित दिया नहीं है किसी को। कितनी देर से बंद है? 2-2.5 महीने हो गए। तो वहाँ पे कुछ कागज सबमिट करने थे, वो आपको पता है? किसने बताया नहीं बैंक में? वो इनके पास ये वाला नॉर्मल सा फोन है, इनको कहाँ से पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम ये बनता है, इतने लोग हैं वहाँ पर जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको इनकी इन लोगों के पास आना चाहिए। को गरीबों को और मार दिया, 1500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, आटा तेल साबुन सब कुछ महंगा। जो हमारे चाय वाला भाई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बगल में, इसके लिए एक विनती हमारी है और है, उसका पैर में जख्म वो भरा हुआ है, किसको रात रात सोने नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमारा ये विकल्प है कि गवर्नमेंट स्कूटी डिपार्टमेंट से कि इनके लिए हमारे लिए तत्काल की तत्काल कागज लेकर के ना स्कूटी इनको दिलाई जाए। जम्मू में बड़े बड़े कैफेज खुल चुके हैं, बड़ी बड़ी चाय की टपड़ियाँ खुल चुकी हैं, लेकिन ये ज्योति प्रकाश जी का कैफे है, ये छोटी सी चाय की टपड़ी यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गांधीनगर, इसके बाहर इनकी छोटी सी दुकान है। ये कि आपको पेंशन मिलती है? हाँ, पहले मिलती थी। पहले मिलती थी, अब मिलती है? अब नहीं मिलती। कितनी देर से बंद है? 2-2.5 महीने हो गए। तो वहाँ पे कुछ कागज सबमिट करने थे, वो आपको पता है? किसने बताया नहीं बैंक में? नहीं बताया अभी किसी ने? अभी मैंने पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके पास ये वाला नॉर्मल सा फोन है, इनको कहाँ से पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम ये बनता है, इतने लोग हैं वहाँ पर जो इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको इनकी इन लोगों के पास आना चाहिए। उनके पास लिस्ट तो होगी ही ऑब्वियसली कि कौन कौन है हैंडीकैप जिनकी पेंशन लगती है, उनको यहाँ पे आना चाहिए इनके पास और अपडेट करने के लिए फोन करके बताना चाहिए। आपको कोई फोन वगैरह आया? चलो, वो साथ ही साथ मैं आपको बोलूंगा एक चाय का कप इनके पास आके जरूर पिए। सर कितना कमा लेते हैं आप? 200 या 200 रोज का कमा लेते हैं, मतलब 500-700 रुपए करते हैं रोज। उसमें से आपका कितना बचता है? 200, कभी 250 बच जाता है, कभी 200, कभी 150। तो आपके घर पे और कौन कौन है? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो कैसे गुजारा चलता है घर का? वो भी काम करती है किसी के घर में। आपकी वाइफ? हाँ जी। तो पेंशन जब आपको आती थी उससे क्या फ़र्क पड़ता था और अब क्या फ़र्क पड़ रहा है जब पेंशन नहीं आ रही है? उससे मतलब कितनी सहायता हो जाती थी आपकी? हाँ, काफ़ी हो जाती थी। बस हो जाती थी। हाँ जी। अब जब से पेंशन बंद है तो थोड़ा मुश्किल हो गया। तभी आपने ये दुकान लगाई है? हाँ जी। हाँ, मतलब खर्चा कम था, इतना गुजारा नहीं चलता था ना, कि अकेली वो काम करने वाली थी, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फीस वगैरह कभी एडमिशन वगैरह करवानी पड़ती है, तो इसलिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मतलब पेंशन के साथ भी गुजारा करना मुश्किल था, अब तो पेंशन बंद हो चुकी है। आपके पास लोग आते हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए? आते हैं, जहाँ की लोगों को आदत पड़ गई है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और बड़े बड़े कैफे में ही जाने की? हाँ, कहीं जाते हैं, लेकिन काफी लोग इधर आते हैं। मतलब हॉस्पिटल के बाहर दुकान है आपकी, तो आते हैं ना लोग? अंदर से, अंदर भी जाती चाय, अंदर भी जाती है, मतलब डॉक्टर्स भी आपसे लेते हैं चाय? जी। कह रहे थे आप? हम ये जो हमारे चाय वाला भाई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बगल में, इसके लिए एक विनती हमारी और है कि एक पैर से चलना, उसका पैर में जख्म वो भरा हुआ है, किसको रात रात सोने नहीं दिया जाता है। ठीक है, हमारा ये विकल्प है कि गवर्नमेंट स्कूटी डिपार्टमेंट से कि इनके लिए हमारे लिए तत्काल की तत्काल कागज लेकर के ना स्कूटी इनको दी जाए। क्यों? इनको अपने 3 बच्चे पालना है, बड़ी जवान बेटी है, बेटा है, पढ़ाना लिखाना है। ठीक, ये चाय की दुकान से 6-7 हज़ार रुपये महीने से क्या गुजारा होता है? हम बड़े बड़े मिनिस्टर 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें पा रही, ये मैडम जो पेंशन विभाग की बैठी है ये कम से कम नहीं 2.5-3 लाख रुपए पेंशन पाती है, और सारे विकलांग का पैसा कहाँ जाता? इसी के खाते में जाता। ये पैसा अभी तक अनित दिया नहीं है किसी को। ठीक है, हम ये चाहते हैं, हमारा सोशल पहले दफ्तर के कर्मचारी बड़े अधिकारी को मैं सलूट मारता हूँ कि हमारा इस विकलांग की सहायता के लिए सबसे पहले खड़ा होकर के सामने ताली बजा के मैं चेतना देता हूँ कि मेरे विकलांग को स्कूटी खड़े पैर दिलानी चाहिए, और नहीं दिलाते। अरे वो मोची बैठा वहाँ पर, ऐसे रोजगार हम लोग छोटे छोटे रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आप रोजगार करके कोशिश तो कर रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि सरकार भी आपकी मदद जरूर करे। सरकार नहीं मदद करती, कोई सरकार मदद नहीं करती है। सरकार केवल एक बहाने देती है कि हम देश के अंदर गरीबी दूर हटाएंगे। गरीबी को गरीबों को और मार दिया, 1500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, आटा तेल साबुन सब कुछ महंगा। हम लोग से पूछो दिल पे हाथ धरके, हम लोग रात में सोते हैं ना तो रो रो के सोते हैं, किस तरह कमाते हैं, किस तरह बच्चे पढ़ाते हैं।
साथ में आप देख सकते हैं ये चाय की टपरी है और अंकल ने गैस सिलेंडर नहीं यूज़ किया हुआ, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन यूज़ किया हुआ, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा है और ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 10 रुपए की चाय 20 रुपए की कॉफ़ी, आइए ज़रा इनके पास और ज़रूर इनकी चाय को प्रमोट कीजिए ताकि इनका घर चल सके। आज प्रोटेस्ट भी था इनका प्रेस क्लब में और हमें कुछ लोग भी मिले जो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मदद कीजिए, हमारी मीडिया ही है जो आगे हमारी बात पहुंचाएगा। मैं चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुँचे, से ज़्यादा शेयर कीजिए।